नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का हमारे नई वीडियो में। आज आपको बताएंगे कि गाजर का ये जो दिख रहा है आपका गाजर का कटिंग किया हुआ कैसे आप लगाएं। यदि अभी ठंड का सीज़न चल रहा है और सभी के घर में गाजर का हलवा कॉमन है बनना, तो ये चीज़ आप जो वेस्ट कर रहे हैं, इसे फेंक रहे हैं, इससे आप नई पौधा और नए गाजर का तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके घर में जगह है और इस तरह का आप गाजर बना रहे हैं, गाजर का हलवा, तो इस तरह आपको देख सकते हैं इसमें रूट भी निकल रहा है। यहाँ देख सकते हैं अंकुर फेंक रहा है, इसमें भी अंकुर फेंक रहा है, और ये छोटा है तो इसमें भी अंकुर फेंक रहा है। तो इसे आप लगाएं कैसे? यदि नहीं भी अंकुर फेंक रहा है, इसमें अंकुर नहीं फेंक रहा है, पर जब मिट्टी में ये जाएगा तो इसमें अंकुर आ जाएगा और ये पौधा तैयार होगा, यानी कि अंदर में गाजर बैठेगा। तो इसे आप क्या करें, कभी भी आप घर में गाजर लाएं और हलवा बनाने का या कुछ भी आप काम करते हैं गाजर से, तो आप इस तरह का जो वेस्ट हो जाता है, यदि घर में जगह है आपका तो आप लगाएं, और नहीं है तो आप गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में क्या डालना है आपको, गमले में आपका 30% मिट्टी डाल दें, 30% नारियल का भूसा डाल दें यानी कोकोनट, और 30% आप रेत डाल दें। तो इससे क्या होगा, मिट्टी ढीला रहेगा और मिट्टी में ताकत रहेगा, तो ये बहुत ही जल्दी, और कंकड़ वगैरह उस पर आप हल्का छलनी से छाल दें या आप कोशिश करें हाथ से निकाल दें कि कंकड़ वगैरह ना रहे, क्योंकि कंकड़ रहेगा तो बैठने में थोड़ा दिक्कत होगा। इसका आपको हम रिजल्ट भी दिखाएंगे। गाजर ही नहीं, आप इस तरह प्याज का भी छिलका लगा सकते हैं, तो वो कैसे लगा सकते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ हम प्याज का छिलका लिए हैं, तो छिलका कैसे लगाना है वो आपको बताते हैं। छिलका इसी तरह लगाना है, प्याज जब आप काट रहे हैं थोड़ा गूदा से काटें, थोड़ा डीपली करके काटें, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। इसे आप ऐसे मिट्टी में डाल दें तो लग जाएगा, आपको हम रिजल्ट भी दिखाएंगे, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद अंकुर फेंक रहा है, इसे भी लगाएं। और ये जो प्याज में अंकुर फेंक रहा है, आप ऐसे पीछे से काट के लगाएंगे तो नहीं लगेगा, जब भी आप काटें तो ये साइड काटें। नया नया देख सकते हैं रूट आ रहा है, आप वाइट वाइट रूट देख रहे होंगे, तो यहाँ से आप काटेंगे तो आपका अंदर में प्याज बैठेगा ही बैठेगा। ये चीज़ आप घर में करके देखें, एक्सपीरियंस है मेरा, पता नहीं बैठेगा कि नहीं बैठेगा, पर हम इसका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। और रिजल्ट हम मूली का दिखाएंगे। मूली जब आप घर में लाते हैं तो मूली को भी इसी तरह किया जाता है, तो हम मूली का किए थे, आपको दिख रहा होगा मूली का पौधा, एक नहीं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और भी गमला में डाले हैं, तो रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल गया, सब अंदर में डालें। और ये चीज़ हमको एक्सपीरियंस कहाँ से मिला, जब हम सब्जी वगैरह का पत्ती वगैरह का खाद बना रहे थे तो हम डालें थे इस जगह में, आपको आइए वो भी दिखाते हैं। ये पत्ते का खाद बनाते हैं हम, जो प्याज का छिलका, मूली वगैरह का छिलका, और इसमें मिट्टी का परत डाल देते हैं, तो ये क्या होता है, सड़ता है, सड़ने के बाद खाद अच्छा बनता है इससे। तो इसमें जब हम मिट्टी का परत डाले थे तो देखे मूली का अंकुरित फेंक रहा था, तो हमें समझ में आया कि मूली का डंडी से भी लग जाता है। तो इस तरह आप भी अपने घर में कीजिए। जो हमारा है आप देख सकते हैं किस तरह का प्याज फर रहा है, तो प्याज का ही कटिंग नहीं डाले थे, छोटा छोटा प्याज का बीज डाले थे, तो इस तरह का प्याज हुआ है। और इधर हम लहसुन का कली डाले थे, तो ये लहसुन का भी कली है। लहसुन का पत्ता चटनी वगैरह में बहुत ही अच्छा लगता है, कोई चीज़ आप कम चटनी पीस रहे हैं तो इसका पत्ता डाल दें तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इस तरह आप घर पे अपने घर पे लगाएं और इसका आप लुत्फ़ उठाएं। ये जानकारी मेरा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें, और ये चीज़ अपने घर में भी एक्सपीरियंस करें ताकि, और करें इसका लाभ उठाएं, तो हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।